हेलो फ्रेंड, एग्रीकल्चर कैटलिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वो एग्रीकल्चर की बेसिक और फंडामेंटल बुक्स देखेंगे जिसमें एग्रीकल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को निकालने में, चाहे वो MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर एंट्रेंस मतलब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग राज्यों में, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका IBPS AFO में भी बेसिक बुक काम करेंगी, फंडामेंटल बुक्स काम करेंगी, BHU एंट्रेंस एग्जाम में भी काम करेगी, UP कैटेट में भी काम करेंगी, MPPET में भी, और इसके साथ में एग्रीकल्चर के जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे REO हो गया, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, या रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, इसके अलावा TA हो गया, या मतलब और भी बहुत सारे मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपकी ये बुक्स फ़ायदेमंद रहेंगी। दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो बुक पहली बुक जो है वो दोस्तों आ कॉम्पिटेटिव बुक बाय एग्रीकल्चर नेमराज शुंडा सर की है। ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, और इसमें एग्रीकल्चर के जो 4 ईयर की आपकी डिग्री होती है उसमें जो मतलब मेन मेन टॉपिक्स हैं और नोट्स हैं इसका अच्छी तरीके से कंपाइलेशन किया गया है, और जो एग्रीकल्चर की जो मतलब है ब्रांच है, सॉइल साइंस हो गई, एग्रोनॉमी हो गई, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, इसके अलावा जो भी जो एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चर और भी अलावा जो ब्रांच है उसको अच्छी तरीके से इसमें शॉर्ट तरीके से दिया गया है, और मेन मेन टॉपिक के बारे में बताया गया है और मुख्य बिंदुओं पर इसमें दिया गया है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट बुक जो है, नेक्स्ट बुक है दोस्तों आपकी ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय SR कांटवा सर की। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर के जितने भी मतलब ब्रांच है, टॉपिक्स हैं, उनका अच्छी तरीके से MCQs बेस में क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों आपका MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर के जो पेपर्स होते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें टॉपिक के अनुसार MCQs दिए हैं जो सॉल्व करने से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट बुक है दोस्तों उसके बारे में देखते हैं, ये दोस्तों आपकी फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 1-2 अरुण कात्यायन सर की है। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें भी एग्रीकल्चर के जो मतलब बेसिक BSc एग्रीकल्चर होते हैं उसके जो मतलब पूरे टॉपिक्स होते हैं और जो पूरे सब्जेक्ट हैं उसको अच्छे तरीके से समझाया गया है, और मतलब अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव रूप में उसका वर्णन किया गया है, और ये बुक बहुत ही अच्छी होती है। जैसे दोस्तों आपका MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होता है, या ICAR-JRF वाले जो जनरल एग्रीकल्चर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, इसके अलावा जो भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके सारी बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें कवर हो जाएंगी दोस्तों। ये तीन बुक दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक रहेंगी इस, और आपका बार बार रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी बुक देख सकते हैं, जैसे दोस्तों एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस होती है RK शर्मा सर की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब कंपटीशन का एक्सप्लोर किया गया है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है टॉपिक्स के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन 4 बुक को अच्छे से रिपीट कर लेते हैं तो आपका बेसिक और फंडामेंटल आपका एक प्रकार से एग्रीकल्चर का प्रिपेयर हो जाएगा। देन उसके बाद में आप हाई लेवल के लिए जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वहाँ के लिए नोट्स और अलग से चीज़ यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों हमारे चैनल पर फ्री कंटेंट एग्रीकल्चर के उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें समय समय पर वीडियो डाले जाते हैं जिसको आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसको भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे आप जुड़कर और जो भी PDFs रहती हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं, उसको आप मिल जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, आपकी जो पर्सनल क्वेरी है उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।